नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको आपके मोबाइल की एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी सुना नहीं होगा या शायद ही कभी सुना होगा। दोस्तों आप कितने ही महंगे से महंगा फ़ोन ले लीजिए, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, सारे एंड्रॉयड फ़ोन की यही प्रॉब्लम होती है कि उनकी परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, फ़ोन आपके गर्म होने लग जाता है और आपका फ़ोन हैंग होने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप कितने भी महंगा फ़ोन ले लीजिए, एंड्रॉयड फ़ोन की सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वो हैंग होने लग जाते हैं। दोस्तों आपने YouTube पर भी कई वीडियो देखी होगी जिसमें कई तरह की सेटिंग बताई जाती है जिससे आपका फ़ोन हैंग होने से बचाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में आपने कभी नहीं देखा होगा और वो सीक्रेट सेटिंग को यूज़ करने के बाद आपका फ़ोन कभी भी हैंग नहीं होगा। दोस्तों बस आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों आपको बताया जाता है वीडियो में कि हमारे फ़ोन के हैंग होने का या गर्म होने का कारण क्या होता है। वो होता है कि जो हमारे फ़ोन में बैकग्राउंड में जितनी भी ऐप्स चलती रहती हैं, रनिंग ऐप्स जो होती हैं, उसकी वजह से हमारे फ़ोन पर लोड पड़ता है या हमारा फ़ोन जो होता है वो गर्म हो जाता है और हैंग होने लग जाता है। ये बिल्कुल सही बात है दोस्तों। और अपने फ़ोन की रनिंग ऐप्स, बैकग्राउंड रनिंग ऐप को देखने के लिए आप सेटिंग पर जाइए। सेटिंग पर जाकर आप एप्लीकेशन मैनेजर पर जाइए और एप्लीकेशन मैनेजर पर आप यहाँ पर रनिंग ऐप्स को देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आप आकर रनिंग ऐप्स को देख सकते हैं। यहाँ पर जितनी भी ऐप्स अब हैं ये हमारी बेकार में चल रही हैं जबकि हम इन ऐप्स पे अभी कोई काम नहीं कर रहे। और इसी तरह आप ऊपर यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है शो कैश्ड प्रोसेस। तो कैश्ड का मतलब होता है दोस्तों बेकार, रद्दी या कचरा। तो यहाँ पर जो भी रद्दी या कचरा काम चल रहा है उसके बारे में यहाँ पर बता दिया गया है, क्योंकि इस काम का अभी हम कुछ भी हमें ज़रूरत नहीं है और ये यहाँ पर बैकग्राउंड में हमारे चलता रहता है, इसी वजह से हमारे फ़ोन की परफॉर्मेंस स्लो होती है। तो दोस्तों हमें ये बताया जाता है कि यहाँ पर आकर हम इन बैकग्राउंड ऐप को स्टॉप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको स्टॉप का ऑप्शन दिखता है, लेकिन आप यहाँ पर स्टॉप ज़रूर कर देंगे लेकिन कुछ टाइम बाद यहाँ पर ये ऐप दोबारा चालू हो जाती है ऑटोमेटिकली। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप इन ऐप्स को दोबारा ओपन करके यहाँ बैकग्राउंड में वो दोबारा से चलने लग जाती हैं। दोस्तों आपको हर वीडियो में सिर्फ इतना ही बताया जाता है कि आप बैकग्राउंड ऐप्स को स्टॉप कर दीजिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसमें आपकी बैकग्राउंड ऐप कभी चलेगी ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, और अगर आप सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें आपको एक और सेटिंग मिलती है। देखिए आप यहाँ पर स्मार्ट मैनेजर पे भी जाकर यहाँ बैकग्राउंड ऐप्स को ऑफ कर सकते हैं या रैम पर क्लिक करके, लेकिन यहाँ पर भी कुछ टाइम बाद ये ऐप्स दोबारा चालू हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं कि क्या कौन सी सीक्रेट सेटिंग है जिससे हम इन बैकग्राउंड ऐप्स को हमेशा के लिए बंद कर सकते हैं। तो देखिए अपने फ़ोन के आप सेट्स पर जाइए, सेटिंग्स पर जाकर आप नीचे जाइए। अगर आपने अपने फ़ोन में डेवलपर ऑप्शन लिया हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिया हुआ तो आप अबाउट डिवाइस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप अबाउट डिवाइस पर क्लिक कीजिए। अबाउट डिवाइस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा आप नीचे जाइए और यहाँ पर आपको एक बिल्ड नंबर यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको क्लिक कर देने हैं, टच कर देने हैं एक के बाद एक लगातार। जी हाँ, 8-10 बार आप बिल्ट नंबर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप 8-10 बार इस पर टच कर देंगे तो आपका डेवलपर ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, जिस तरह मेरे फ़ोन में यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन आया हुआ है। अब आपको यहाँ डेवलपर ऑप्शन पर क्लिक करना है। डेवलपर ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप नीचे जाइए, बस यहाँ पर आपको नीचे जाना है। नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा, लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस। देखिए दोस्तों यही वो सीक्रेट सेटिंग है जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताता या बहुत कम लोग बताते हैं। तो यहाँ लिमिट बैकग्राउंड प्रोसेस पे आप टच कीजिए। देखिए अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे कि आप बैकग्राउंड में क्या क्या अपना सेटिंग करना चाहते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्ड लिमिट पे यहाँ सेट करके रखेंगे तो यहाँ पर जितनी ऐप्स अभी बैकग्राउंड में चलती हैं उतनी ही चलती रहेंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप नो बैकग्राउंड प्रोसेस पे कर देंगे तो आपके फ़ोन की बैकग्राउंड में कुछ भी काम नहीं होगा, कुछ भी ऐप्स आपके बैकग्राउंड में नहीं चलेगी। तो अगर आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके फ़ोन के बैकग्राउंड में कोई ऐप नहीं चलेगी और आपका फ़ोन हमेशा फास्ट चलता रहेगा और कभी हैंग नहीं होगा। और अगर आप 1 या 2 पर कर देंगे तो आपकी ज़रूरत के मुताबिक 1 या 2 ऐप ही बैकग्राउंड में चलेगी। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप 1 या 2 को टच करके यहाँ पर सेट करके रखिए, तो उसके बाद आपका फ़ोन कभी भी ना ही हैंग होगा, ना ही उस पर कभी लोड पड़ेगा, ना ही वो कभी गर्म होगा। जैसे ही आप यहाँ पर अपने हिसाब से कोई भी सेटिंग यहाँ पर क्लिक करके रख लेंगे, तो मैं आपको कहूँगा कि आप 1 या 2 पर टच करके रखिए और आपका फ़ोन ज़िंदगी में कभी हैंग नहीं होगा, कभी गर्म नहीं होगा, कभी उसके ऊपर लोड नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी एक सीक्रेट सेटिंग आपके फ़ोन के लिए, आपके फ़ोन को हैंग होने से बचाने के लिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हम अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर ज़रूर कीजिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आपकी स्क्रीन पर ये लाल निशान को टच करके और उसके बाद घंटी के निशान पर जरूर टच कीजिए दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी होता है और ये बिल्कुल फ्री भी होता है दोस्तों, और इससे आपको हमारी नई नई वीडियो लगातार मिलती रहती है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।